According to question, the volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? So question के according, हमारे पास ये एक पैकेट है, ठीक है? इस पैकेट का जो मास है, वो कितना given है? 500 gram. और इसका जो volume है, वो कितना given है? 350 centimeter cube, ठीक है? वॉल्यूम कितना गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब और मास कितना गिवन है 500 ग्राम. अब हमसे पूछा क्या है, क्या ये पैकेट पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे. डेंसिटी ऑफ पैकेट, ठीक है, इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. मास कितना गिवन है हमको 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5 से काटेंगे तो 10 जा एंड 5 से काटेंगे 7 टाइम्स, सो 10 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी 1.42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब हमसे पूछा गया था क्या ये पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा. हम देखेंगे जो डेंसिटी ऑफ पैकेट है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है. इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी है हमको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पैकेट की डेंसिटी कितनी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका मतलब ये जो पैकेट है ये पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा. देयरफॉर पैकेट विल सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर. अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, ठीक है. हमसे पूछा गया है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट. उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना गिवन है बच्चों में 350 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी कितनी होने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसकी, लिक्विड की, ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, सो आंसर कितना आ जाएगा 350 ग्राम. अगर तो किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट ये कैसे हुआ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देखो बच्चों, जैसे ये एक बीकर है, लेट सपोज इस बीकर में जो पानी है वो पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. अब इस बीकर में मैं एक सॉलिड डाल देता हूँ, कोई सॉलिड ब्लॉक, मान लो कोई बॉल डाल दी मैंने, ठीक है. इसका वॉल्यूम मान लो 350 सेंटीमीटर क्यूब है. इसका वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये पानी क्या करेगा, अपना लेवल इंक्रीज़ कर देगा और ये पानी का जो लेवल इंक्रीज होगा उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब था बिना बॉल के, फिर जब इसमें बॉल चले गई उसके बाद इसका जो वॉल्यूम आया कितना आया 450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब तो यानी कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है. यानी कि मैं कितना वॉल्यूम इस बॉल ने, स्फेरिकल बॉल ने डिस्प्लेस किया है, कितना किया है 350 सेंटीमीटर क्यूब,
क्योंकि पहले कितना था बच्चों, 100 था, फिर 100 के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, 450। कब हुआ, जब 350 की बॉल उसके अंदर, 350 सेंटीमीटर क्यूब की बॉल हमने पानी के अंदर डाल दी। अब हम मास एक्चुअल में किसका निकाल लें, पानी का निकाल लें, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे, पानी की लेंगे। तो यानी कि आंसर 350 ग्राम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से समझा दिया, एक बार पूरा का पूरा एग्जांपल लेट लेकर और एक बार वैसे ही नॉर्मल। और वैसे ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, याद है ना, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आई होप सबके समझ में आ गया होगा।